हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे मैं नैपकिन पर बना रही हूँ। ये डिज़ाइन आप रुमाल पर बना सकते हैं, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक देता है ये। इसके लिए मैंने सिंपली डबल क्रोचेट लेते हुए एक पूरी लाइन कंप्लीट की है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि इसे कैसे बनाना है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं दुपट्टा लेस डिज़ाइंस की। तो गाइस, बीच में हमें चैन नहीं लेना है और ज़्यादा गैप भी नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर के थ्रेड से नायलॉन का थ्रेड मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हमें दो कलर की डिज़ाइन बनानी है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ करूँगी। ये भी नायलॉन थ्रेड है, जिसके लिए हमें नीडल चाहिए 0 नंबर 1.75 mm। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। जब आपकी डबल क्रोशेट की लाइन कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर नट देकर बैक साइड में इसे अटैच करके लॉक कर लेना। अब फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर का जो बटन है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो गाइस, हम इस तरीके से राउंड लेकर स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद, जो हमने यहाँ पर स्टार्ट में 3 चैन लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, उसके फर्स्ट चैन पर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच होने के बाद अब हमें लेना है नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करना है, क्योंकि हम लेने वाले हैं ट्रिपल क्रोचेट। लेकिन अब हमें टोटल 5 गैप छोड़ देने हैं, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। डायरेक्ट हम इस वाले गैप में ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। तो हम एक 1 चैन ले लेंगे इस तरीके से, और नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके 6th गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट लेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट 5 गैप छोड़कर 6th गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। ट्रिपल क्रोचेट अगर आपको नहीं आता है लेना, तो मैंने बेसिक स्टिच में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, फुल वीडियो देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके हम गैप में अंदर जाते हैं, धागा लेते हुए बाहर आते हैं, और 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके हम बनाते जाते। इसी तरीके से हम ट्रिपल क्रोचेट लेते हुए बीच में एक चैन लेते जाएंगे। टोटल हमें यहाँ पर 7 ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, और चैन भी बीच बीच में हम लेते जाएंगे। ये देखिए, ट्रिपल क्रोचेट, 1 चैन, फिर ट्रिपल क्रोचेट, फिर 1 चैन, फिर ट्रिपल क्रोचेट, 1 चैन, ऐसे टोटल हमें 7 ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं। ये 6, फिर से एक 1 चैन, एंड ये लास्ट 7। उसी गैप में हमने 7 ट्रिपल क्रोचेट ले लिया। अब लास्ट में हम फिर से चैन लेकर, फिर से हम 5 चैन का गैप छोड़कर 6th में अटैच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6th वाले में अब हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके के पंखे बनते जाएंगे, फैन डिज़ाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चैन हमारी आ जानी चाहिए, और 7 ट्रिपल क्रोचेट। तो गाइज, उसी हिसाब से आप बनाते जाएं। फिर से आगे की डिज़ाइन फॉलो करने के लिए फिर से 1 चैन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, 5 चैन का गैप छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 6th में हम 6th गैप में अंदर जाकर ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। 1 चैन लेकर हम आगे बढ़े थे, अब फिर से हम 1 चैन लेकर फिर से ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर 1 चैन, फिर 1 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 1 चैन ले लेंगे, फिर से 1 ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे, फिर 1 चैन लेकर
ट्रिपल क्रोशेट ले लेंगे, फिर से वन चैन ले लेंगे और ट्रिपल क्रोशेट ले लेंगे। इसी तरीके से टोटल हमें 8 चैन एंड 7 ट्रिपल क्रोशेट लेना है। एंड ये लास्ट, फिर जब 7 ट्रिपल क्रोशेट हो जाए तब लास्ट में 1 चैन लेकर हम अटैच कर लेंगे। तो 5 डबल क्रोशेट छोड़ देना है हमें, 1 2 3 4 5, ये 6 पर हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक लगता है इसका बनने के बाद। सेम इसी तरीके से हम फॉलो करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप छोड़ना पड़ता है। तो आप इसे दुपट्टे पर बना लीजिए, बहुत प्यारा लुक देगा। 1 2 3 4 5 और 6 में डायरेक्ट हम 1 चैन लेकर ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। गाइज़ अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक और चैनल है बी नेचुरल सीक्रेट्स, जिस पर मैं ब्यूटी टिप्स और प्रोडक्ट रिव्यूज़ देती हूँ और हर संडे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लाने वाली हूँ। तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है चैनल को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर लेना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक भी करना वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी तरीके से हम ये डिज़ाइन फॉलो करते जाएंगे। जब 7 ट्रिपल क्रोचेट हो जाए तब लास्ट में 1 चैन लेकर फिर से 5 गैप छोड़कर 6 पर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से फॉलो करते जाना है। जब आप फर्स्ट ट्रिपल क्रोचेट लोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप जब बनाते जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आप डबल क्रोचेट की जो लाइन ले रहे हैं वो नज़दीक नज़दीक हो, ज़्यादा फासले पर ना हो। ये देखिए इस तरीके से। सो गाइस अब मैं आपको थंबनेल पर इसका फाइनल लुक बताऊंगी। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।